हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ क्लास प्लस टू करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ यूनिट टू का लेक्चर फोर डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेक्चर फोर समझने से पहले लेक्चर वन, लेक्चर टू और लेक्चर थ्री ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे ओम्स लॉ के बाद ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? ओहमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, राइट? दीज आर दोज कंडक्टर्स विच ओबे ओहम्स लॉ एट लोअर वैल्यू ऑफ करंट, राइट? जब लोअर वैल्यू करंट होगा तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई थी। वी आई इज ऑलमोस्ट ट्रेलिंग ग्राफ, बट एट हायर वैल्यू ऑफ करंट द ग्राफ बिकम्स नॉन लीनियर। जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हीटिंग इफेक्ट से रेजिस्टेंस में चेंज आना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर चेंज कर देता है, जिससे वी इज नॉट मोर नो मोर प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, वेयर एज वी हैव नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है? इनका वी आई ग्राफ जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। आप देख सकते हैं एक वी आई ग्राफ बनाया, इट्स नॉन लीनियर ग्राफ। क्वेश्चन भी आया था एक बारी बोर्ड में ये कि रीजन बताइए इस ग्राफ में जहाँ पे रेजिस्टेंस नेगेटिव हो। तो रेजिस्टेंस, यू नो वी आई ग्राफ का स्लोप होता है, स्लोप कहाँ पे नेगेटिव होगा, दैट इज द रीजन इज बी सी। ओके, इसके बाद आता है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन्स। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन, कार्बन की जो रजिस्टर्स होती है उसकी कलर कोडिंग होती है। अगर हम मार्केट जाएं, मार्केट में जाके अगर हम बात करें कि हमें इस ओम का रेजिस्टेंस चाहिए या ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप जब रजिस्टर लेने जाते हैं, रजिस्टर इस तरह का सिंबल बना होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं होता ये कितने ओम का है, उसके ऊपर कलर कोडिंग की होती है। जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर कलर कोडिंग चलता है। तो वो कोडिंग करनी कैसे है, हर कलर का एक मतलब है, वो कोडिंग कैसे करनी है, तो कौन कौन सा कलर है, उनका क्या सिंबल यूज़ करेंगे, कैसे उनका उन कलर से कैसे रेजिस्टेंस बनाएंगे, वो सिखाने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कलर की। तो कलर कौन कौन से हैं? कलर सिंबल डिजिट्स मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस मीन्स एरर, ठीक है जी। तो कलर सबसे शुरू होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, और कोई कलर ना हो तो नो कलर लिखेंगे, राइट? सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? ब्लैक के लिए बी, ब्राउन के लिए बी, रेड आर ओ वाई, जी बी वी जी डब्ल्यू जी एस एन। डिजिट स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, ओके, ज़ीरो वन टू टिल नाइन तक, टिल नाइन तक वाइट का नाइन कलर, उसके बाद इनके कोई डिजिट्स नहीं होते हैं। देन मल्टीप्लायर, हमने रेजिस्टेंस बढ़ानी है कितनी है, तो वो मल्टीप्लायर होगा, जिस तरह का कलर होगा उस तरह का मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे। जो डिजिट होता है वही उसके 10 के पावर में चला जाता है मल्टीप्लायर में, राइट? और स्पेशल केस आता है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए 10^-1, 10^-2, 10^-3 में। टॉलरेंस ऑफ दिस ब्लैक कलर इज 1%, दिस ब्राउन इज 2%। टॉलरेंस का मतलब क्या है, जब हम इनको मेजर करें तो उसमें कितना एरर आ रहा है, तो ये प्लस माइनस वैल्यूज में चलेगा, राइट? इनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। ग्रीन के लिए 0.5%, ब्लू के लिए 0.25, पर्पल के लिए और वॉयलेट के लिए 0.01, ग्रे के लिए 0.05% और गोल्ड, सिल्वर, नो कलर के लिए 5%, 10% and 20%। याद कैसे करेंगे इसको, कलर सीक्वेंस को? बोलेंगे बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये मैंने साइड पे लिखा याद करने के लिए, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो पहले वाले वर्ड ब्लैक, ब्राउन, रेड, ग्रीन, देन ब्लू, देन वॉयलेट, देन ग्रे, देन वाइट, राइट, देन गोल्ड, ये वाला वेयरिंग का कुछ नहीं आना, गोल्ड सिल्वर नेकलेस और नो कलर, राइट? अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया है, अगर ऐसे याद कर लें, तो देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ कलर कोडिंग। तो देखिए कलर कोडिंग बनानी कैसे है। आपको जब रजिस्टर मिलता है वो इस तरह से है, अगर उसके ऊपर चार कलर्स हैं तो पहले कलर का डिजिट होता है, दूसरे कलर का भी डिजिट लिखेंगे, तीसरे कलर का मल्टीप्लायर होगा और चौथे कलर का टॉलरेंस होगा, राइट? एग्जाम्पल देता हूँ, पहला रेड है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है और फोर्थ गोल्ड है, गोल्डन कलर है, राइट? तो इससे अगर हम मार्केट से रजिस्टर ले गए उसके ऊपर ऐसे कलर थे तो उनसे रजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, तो वो कलर कोडिंग यूज़ करेंगे। रेड के लिए पहला डिजिट, पहले कलर के लिए पहला डिजिट, दैट इज़ 2। दूसरा ग्रीन के लिए दूसरा डिजिट, ओके। तीसरे कलर के लिए मल्टीप्लायर होता है और फोर्थ कलर जो गोल्डन है यहाँ पे प्लस माइनस का टॉलरेंस, दिस इज विल बी द टोटल रेजिस्टेंस 25 मेगा ओहम,
प्लस माइनस 5%। अगर तीन हूँ दैट इज ब्राउन ब्लू रेड, तो ब्राउन ब्लू रेड यहाँ पे पीछे कोई कलर नहीं है तो नो कलर वाला 20% आएगा। देखिए ब्राउन के लिए 1, ब्लू के लिए 6, रेड के लिए 10^2 दैट इज मल्टीप्लायर देन 20%। ओके, अगर थोड़ा आगे एडवांस लेवल पे जाएं, ये जेई मेन में क्वेश्चन भी आ चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 पहले तीन डिजिट, पहले ऊपर दो होते थे अब तीन हो गए डिजिट, एक मल्टीप्लायर और एक टॉलरेंस। ओके, तो जैसे ग्रीन ब्लैक रेड ब्लू एंड गोल्डन, ग्रीन का कलर, ब्लैक का, ग्रीन का डिजिट, ब्लैक का डिजिट, रेड का डिजिट, देन ब्लू का मल्टीप्लायर एंड लास्ट में टॉलरेंस। ओके, तो इसको ये जेई मेंस लेवल तक का, ओके कॉम्पिटेटिव लेवल। तो गिव कलर कोडिंग फॉर द फॉलोइंग रेजिस्टेंस, अब हमें रेजिस्टेंस दिया, कलर कोडिंग बताइए। 359 मेगा ओम, मेगा मतलब 10^6 मल्टीप्लायर, 359 के लिए तीनों डिजिट्स हैं तो ऑरेंज ग्रीन वाइट मल्टीप्लायर 10^6 के लिए ब्लू, टॉलरेंस 5% गोल्ड के लिए, राइट। 260 तीनों डिजिट्स, किलो मतलब 10^3 प्लस माइनस 0.05, राइट, रेड ब्लू ब्लैक ऑरेंज ग्रे टॉलरेंस के हिसाब से। आगे आता है 55.4, 2018 का जे मीन्स का पेपर में था 55.4 या 53.5 उस तरह से, अगर इसकी ओम बताइए तो ये लिखेंगे 554 इंटू 10^-1, 10^-1 था गोल्ड के लिए, और 554 तीनों डिजिट्स ग्रीन ग्रीन येलो। ओके, तो इस तरह से इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का सिंबल होता है ये, ठीक है जी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करने लगे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में तीन रेजिस्टर लिए R1 R2 R3 कनेक्टेड क्रॉस बैटरी विद पोटेंशियल डिफरेंस V, I भी द करंट फ्लोइंग, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया RS, सीरीज के लिए RS, टोटल वोल्टेज टोटल करंट। सीरीज में तीनों में करंट सेम होता है, तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम चलता है सीरीज में, समझ रहे हो। ओके, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का डिफरेंस होगा, और डिफरेंट होगा क्यों, क्योंकि रेजिस्टर्स डिफरेंट हैं। ओके, इन सीरीज करंट इज सेम व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल, तो ओम्स लॉ लगाएंगे इसके अंदर, तो V इक्वल टू IR, I टोटल वोल्टेज टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस RS, ठीक है जी। अब इसके अंदर V1 निकालेंगे तो IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, बिकॉज तीनों में करंट I जा रहा है। ओके, और हमें पता है ये टोटल जो वोल्टेज है यही तीनों में डिवाइड होगी, तो टोटल वोल्टेज ये रही। यहाँ पे V की वैल्यू और V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, यहाँ से I आ गया, I कॉमन लेके हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, दैट इज RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज़ आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, बहुत ईजी है। When n equal resistors of resistance R are connected in series, then total resistance क्या बनेगी, RS equals to NR, ठीक है जी। और potential difference across each resistor will be V by N, समझ रहे हो। अगर ये तीनों सेम होते R R R तो आंसर लिखता है 3R, इधर V है तो V by 3, N मतलब number of resistors यहाँ पे, ठीक है। N यहाँ पे क्या है, number of resistors। इसी तरह parallel में देखेंगे जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, तो पैरेलल में इस तरह से लगाया, तीनों का एक साइड एक पोटेंशियल पे, दूसरा साइड दूसरे पोटेंशियल पे जुड़ेगा बैटरी के, ठीक है। तीनों एक ही टर्मिनल से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों रेजिस्टेंस लिए, तीनों में डिफरेंट करंट होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, बट तीनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लगे हैं तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो याद रखने का, पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम व्हाइल इन सीरीज करंट इज सेम, तो यहाँ करंट डिवाइड कर जाएगा, आरपी मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान ली, टोटल वोल्टेज टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस, तो ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला बन जाएगा, वी इक्वल टू आई आर बी, यहाँ से आई निकालना हो तो आई इक्वल टू वी बाय आर बी बन जाएगा। तो करंट अगर इसमें हमें टोटल करंट निकल गया तो अकेले अकेले में निकालना हो तो आई विल बी वी बाय आर1, वी बाय आर2, वी बाय आर3, तीनों में करंट आ गया। तो करंट किस तरह डिवाइड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस, राइट, वोल्टेज सेम है। तो ये टोटल करंट का फॉर्मूला था, यहाँ से टोटल करंट जो आया वो तीनों में बढ़ गया, वापस मिल के आई बन जाएगा, ठीक है। तो जब आई और आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू फिल किया, यहाँ से वी कॉमन लेके टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला बन गया, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। स्पेशल केस बना दिया शॉर्टकट फार्मूला कि दो पैरेलल में लगे रेजिस्टर्स, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, डायरेक्ट फार्मूला, नो LCM। तीन लगे हों तो RAB इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए पैरेलल की, तो R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्टली आपको MCQ में यूज़ करने का। ओके, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ईजी है। तीन रजिस्टर लगे, 6 ओम 4 ओम 2 ओम, तीनों सीरीज में है। करंट इधर से जाएगा, वोल्टेज दिया 24 वोल्ट, करंट हमें पूछा है निकालिए। करंट निकालिए और तीनों के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तीनों के क्रॉस कितना वोल्टेज, इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, इसका वोल्टेज V3 है। तो V1 V2 V3 और करंट का वैल्यू निकालने का, तीनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 6 4 10 प्लस 2 12 12 ओम आ गया। टोटल करंट, टोटल करंट के लिए चाहिए टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज हमारे पास है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है 24 बाय 12 इज 2 एम्पियर। तो यहाँ से करंट निकला 2 एम्पियर, इसमें कितना 2 एम्पियर, इसमें कितना 2 एम्पियर, इसमें कितना 2 एम्पियर, सीरीज में करंट रहता है सेम। तो V1 का फॉर्मूला क्या था, अभी V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। I कितना है 2, 2 6 जा 12, राइट, 2 4 जा 8, 2 टू जा 4, तो मिला के 24 वोल्ट दोबारा बन गया। तो एक तो ये तरीका था, दूसरा मैथड आता रेशो मैथड, ये MCQs में यूज़ करते हैं बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी से सवाल करने के लिए। ओके, तो अनदर मेथड है, हमने तीनों रेजिस्टेंस का रेशियो लिया R1 R2 R3 36:4:2 सिंप्लीफाई करके 3:2:1। ओके, तो ध्यान से देखिए, सिंस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता तो V इक्वल टू IR से I कांस्टेंट लेके पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बना लिया हमने, राइट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बना लिया है तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, तो देखिए V1 ये R1 के नीचे क्या था 3, तो ऊपर लिखा 3, नीचे तीनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज, टोटल था 24, क्या किया 3 बटा तीनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। V2 निकालना तो 2 नीचे तीनों का सम बटा टोटल वोल्टेज, ठीक है, 1 बटा टोटल तीनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। तो आप देखिए 12 8 और 4 वोल्ट यही दोबारा आ गया, राइट, ठीक है जी। तो हमने एक शॉर्टकट रेशियो मेथड सीख लिया, आप और भी क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करिए, बाकी अच्छे अच्छे और क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव लेवल के नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, आपने कुछ पूछना हो, यू कैन प्लीज़ कमेंट ऑन, ठीक है। रेस्ट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।